नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। पक्का इरादा, वचनबद्धता, डिटर्मिनेशन, इस शब्द की आपकी लाइफ में कितनी जगह है? क्या आप सफलता के लिए डिटर्मिंड हो? शायद गलत सवाल कर गया। सही सवाल है कि सफलता के लिए कितने डिटर्मिंड हो। सफलता के लिए आपका इरादा पक्का है, लेकिन किस हद तक पक्का है? मान लो आज आपकी एंगेजमेंट हुई है और आने वाले 6 महीने के बाद शादी की डेट फिक्स हुई है। आपने शादी करवानी है ना? सिली क्वेश्चन। शादी करवानी है तभी तो एंगेजमेंट की है। ये शादी तो अब होगी होगी, ना होने के कोई चांस ही नहीं है। डेट फिक्स्ड है, बस कामों की लिस्ट बन रही है। किस किस को इनवाइट करना है उसकी लिस्ट, कौन कौन सी ड्रेस बनवानी है, कौन सा मैरिज पैलेस, कौन सा बैंड, कौन सी घोड़ी, कौन सा फोटोग्राफर, वगैरह वगैरह। अब ये प्लानिंग तभी हो रही है ना जब आप श्योर हो कि उस पर्टिकुलर डेट को ये शादी होनी ही है। और ऐसा 99.999 फैमिलीज में होता है। केवल 0.001 फैमिलीज में ये चांस होता है कि उस डेट की शादी कैंसिल हो जाए और अल्टीमेटली शादी हो ही जाती है। बस यही है पक्का इरादा। जब आप श्योर होते हो कि आपने ये काम करना ही है तो आप कर लेते हो। जिंदगी में 100% सफलता के लिए ऐसा ही पक्का इरादा होता है क्या? क्योंकि आपकी प्लानिंग, आपकी एफर्ट्स उसी विश्वास पर ही डिपेंड करते हैं कि जिस बात के लिए सब कर रहे हैं ना, उसके होने में आपका कितना विश्वास है। जरा सा विश्वास कम हुआ, प्लानिंग कमजोर हो जाती है, एफर्ट्स ढीली पड़ जाती है और मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता। जरा सा भी शक हो जाए कि शायद ये शादी नहीं होगी तो जरा सोचो, ढंग से प्लानिंग कर पाओगे? सही से एफर्ट्स कर पाओगे? जिंदगी में अगर 100% सफलता चाहिए तो आपको 100% विश्वास करना होगा कि आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाओगे। यह विश्वास कैसे आ सकता है? केवल विजुलाइज करके, अपनी मंजिल को विजुलाइज करके, सफल होने के बाद के दिनों के बारे में सोच के, तब होने वाला एक्सपीरियंस, तब मिलने वाली खुशी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने अपनी लाइफ के गोल तो सेट किए होंगे ना? भाई मेरी इतनी वीडियोस देखने के बाद मेरा क्वेश्चन आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जायज है। मेरी स्टडी, मेरा एक्सपीरियंस भी तो रोज बढ़ रहा है और उसको भी तो आपके साथ शेयर करना है। आपने एक तो बनाया अल्टीमेट गोल, यानी जिंदगी का वो गोल जो सबसे बड़ा है एंड 60-70-80 साल की उम्र में अजीब होगा। फिर आपने बनाए होंगे 50 की उम्र में अजीब होने वाले गोल, फिर 40 के, फिर 30 के, फिर 20 के, एटसेट्रा। इनको विजुलाइज किया है क्या? आंखें बंद करके अपने आप को वहां देखा है क्या? जब तक आप ये नहीं करोगे, आपके इरादे में 100% मजबूती नहीं आएगी। सारे गोल्स की लिस्ट विद पिक्चर्स अपने बेडरूम की दीवार पर, जिस तरफ आपके पैर होते हैं, लगाई है ना? पैरों की ओर इसलिए कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले वो लिस्ट दिखाई दे। हम आपकी शादी की बात कर रहे थे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में शादी के बाद के दिनों की पिक्चर्स घूमती रहती हैं। आपको सोने के समय आपकी वाइफ आपके साथ सोई दिखाई देती है, मोबाइल फोन पर उसकी पिक भी लग चुकी है, फेसबुक की प्रोफाइल पिक पे आप दोनों हो, आपके पासवर्ड में उसका नाम आ चुका है, शॉपिंग करने के समय अब फीमेल ड्रेसेस भी दिखाई देती हैं, क्योंकि आप 100% श्योर हो। तो बाकी के गोल भी ऐसे कर दो। मान लो आपने 1,00,000 रुपए महीने कमाने का गोल बनाया है और ये गोल आप अचीव करना चाहते हो आज से 2 साल के बीच में, यानी विद इन 24 मंथ्स। लिख के लगा दो बेडरूम की दीवार पर, अपने पैरों की साइड, राइट? और अब जाओ सपनों की दुनिया में। सोचो कि 1,00,000 रुपए महीने की इनकम अचीव हो गई है,
सोचो कि पहले महीने अपने पेरेंट्स के बेडरूम में एक नया सीलिंग फैन लगाया है, क्योंकि पहला फैन ची ची की आवाज करता था। विजुलाइज करो कि दूसरी सैलरी पे आपने एक बुलेट बाइक खरीद लिया है, बड़ी देर से अरमान था, और विजुलाइज करो कि उसी बाइक की पिछली सीट पर आपका सबसे प्यारा दोस्त बैठा है, दोनों ने हेलमेट पहनी है और हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो। विजुलाइज करो कि थर्ड मंथ की सैलरी में आपके बेडरूम में 50 इंच का टीवी लग चुका है, और इन सपनों की दुनिया में रहो रोज कम से कम 30 मिनट्स। जितने अच्छे सपने देख सकते हो देखो, आपकी रातों की नींद खराब हो जानी चाहिए और अंदर से कुछ जल्दी से जल्दी करने का मन करे। बस यार कुछ भी हो जाए ये मंजिल अचीव करनी है, कुछ करना है यार, बस कुछ करके रहना है, बस यहां आके बना आपका पक्का इरादा, 100% पक्का इरादा। अब आप कोई भी कसर नहीं छोड़ोगे हर्डल्स को क्रॉस करने में, क्योंकि हर्डल्स रुकावटें तो मिलेंगी ही, अब आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे हार्ड वर्क में, अब आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करने में, अब आप कोई कसर नहीं छोड़ोगे अपनी गलत आदतों को छोड़ने में। जब इरादा 100% तो प्लानिंग भी 100%, एफर्ट्स भी 100% एंड रिजल्ट भी 100%। मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब इरादा 100% तो प्लानिंग 100%, एफर्ट्स 100%। लेकिन एफर्ट्स के टाइम पर अगर आपको लिटल एडजस्ट करना पड़े, अगर लिटल फ्लेक्सिबल होना पड़े तो हो जाना, रिजल्ट आपको 100% ही मिलेगा, कुछ डिले हो सकता है। समझाने की कोशिश करता हूं, ये एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका एक ही तो गोल नहीं होगा ना लाइफ में, आपने सभी एरियाज ऑफ लाइफ के गोल्स अचीव करने हैं, हेल्थ गोल्स, फैमिली हैप्पीनेस गोल्स, इनकम गोल्स, सोसाइटी में रिस्पेक्ट बढ़ाने का गोल, दिमाग को तेज करने का गोल एंड अपनी आत्मा को पवित्र करने का गोल। जब आप 100% शादी के लिए 100% प्लानिंग कर रहे थे तो 100% एफर्ट्स में कहीं कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ा, आप मॉर्निंग वॉक नहीं छोड़ पाए, आप वर्कआउट नहीं छोड़ पाए, आप प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को निभाते रहे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते रहे, वगैरह वगैरह। रिजल्ट्स तो 100% ही मिले, लेकिन बाकी के एरियाज इग्नोर नहीं हुए, क्योंकि हर एरिया हर दूसरे एरिया की ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपने मौके पर फैसला करना है कि उस समय की आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपके जान पहचान वाले के घरों में कोई परेशानी है, आपके बिना वो हल नहीं हो सकती, तो ऐसे केस में आप अपने गोल के लिए कर रहे एफर्ट्स को थोड़ा सा डिले कर सकते हो ना। लेकिन अगर उनके घर में कोई हैंगआउट चल रहा है, कोई पार्टी चल रही है, तो आप उस समय अपने गोल को ही प्रायोरिटी दोगे। आपके इस डिटर्मिनेशन में, इस वचनबद्धता में, इस पक्के इरादे में आपके परिवार के मेंबर्स भी एडजस्ट होने चाहिए। अप टू सर्टेन एक्सटेंट उनके लिए डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कुछ टाइम रिजर्व हो सकता है। तो कुल मिला के आपके अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त करने की आग भरी रहनी चाहिए, जो आपके सिर्फ एंड सिर्फ दिन के सपने ही भर सकते हैं। सो आप अपनी सफलता के लिए 100% डिटरमिंड हो, 100% वचनबद्धता, 100% पक्का इरादा, किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी नेगेटिव थॉट का कोई चांस नहीं। अपनी शादी के एक्सपीरियंस को याद रखना, अगर खुद की नहीं हुई है तो फैमिली में भाई बहन की शादी के एक्सपीरियंस को याद रखना, किसी कजन की शादी को याद रखना। इफ ऑल गोज वेल, अगर सब सही चला तो शादी हो जाएगी। शादी में कभी भी ये नेगेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में नहीं आया था, तो पैसा कमाने के समय, नौकरी लेने के समय, प्रमोशन लेने के समय, स्टडी करने के समय, हॉबी परस्यू करने के समय
कभी भी इस सेंटेंस को अपने दिमाग में नहीं आने देना, If all goes well, तो मुझे जॉब मिल जाएगी, If all goes well, मेरा वजन कम हो जाएगा, If all goes well, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, If all goes well, मेरा इलेक्शन जीता जाएगा। नहीं नहीं कभी नहीं, इस सेंटेंस का यूज कभी नहीं, If all goes well, इस सेंटेंस का यूज कभी नहीं। माय डियर व्यूअर्स, आपकी सफलता हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है और हम अपने मकसद में 100% कामयाब होंगे। 2020 तक 10 करोड़ लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज देना है और उसके बाद हर 10 साल में इसको डबल करते जाना है। हमारी वीडियोस देखते रहिए, इनको शेयर करते रहिए और अगर हमारी एफर्ट्स अच्छी लग रही हो, फायदा दिखाई दे रहा हो तो लाइक करते जाइए। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।